today we are going to study the topic capital structure, which is one of the part of chapter 9. So capital structure ka matlab kya hota hai? Capital structure ka matlab hota hai kitna capital, kis tarike se aap capital raise karoge company mein. Do options hote hain. Pehla hai debt ke through raise karoge, dusra hota hai equity ke through raise karoge. अब देखो, अगर आप डेट के थ्रू रेस करते हो तो दो चीज़ें. पहला, इस पे आपको कॉस्ट तो कम लगेगी लेकिन इट वुड बी लाइक रिस्क ज़्यादा होगा इसका. क्यों ज़्यादा होगा रिस्क? रिस्क इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है. ऑब्लिगेशन क्या होता है? अगर आप मार्केट से डेट रेस करते हो तो ऑब्लिगेशन वुड बी आपको टाइम टू टाइम उस बंदे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट पे करोगे आप उस बंदे को टाइम टाइम पे. अगर आप नहीं पे करते हो तो इससे अफेक्ट क्या होगा? मार्केट में आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी. आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी बंदा आपको लोन नहीं देगा. आपके चांसेस कम हो जाएंगे लोन मिलने के मार्केट में. दूसरा है इक्विटी. देखो, अगर आप इक्विटी से पैसा रेस करते हो, पहली चीज़ है कॉस्ट ज़्यादा होगा इस चीज़ का. दूसरी चीज़ है रिस्क कम होगी. रिस्क कम क्यों होगी? देखो यार, अगर आप इक्विटी से पैसा रेस करोगे तो इट वुड बी लाइक आप अपनी कंपनी के आप शेयर होल्डर से ही पैसा मंगवा रहे हो. आप उनसे ही पैसा रेस कर रहे हो. इसमें आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है. इसमें इट वुड बी लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप दोगे, नहीं हुआ तो आप नहीं दोगे. इक्विटी शेयर्स में, जैसे कि आपको पता है कि हम डिविडेंड जब देते हैं तो डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है. डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता है किस में? इक्विटी शेयर्स में. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है. ठीक है, अब होता है फाइनेंशियल लीवरेज. नाउ व्हाट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी की प्रायोरिटीज़ क्या है, कंपनी की क्या क्या, कंपनी के माइंडसेट क्या है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट. कंपनी क्या चाहती है? कंपनी क्या चाहती है? व्हाट कंपनी वांट्स? वो चाहती है कि रिस्क ज़्यादा रखना चाहती है. दो क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए, पहला है रिस्क, दूसरा है कॉस्ट. अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रिस्क पे फोकस करना है कि उसको कॉस्ट पे फोकस करना है. ठीक है, अब दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो इक्विटी या तो डेट. लेकिन ये चीज़ें निकालने के लिए आपको बहुत सारे फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे. छोटे से फॉर्मूलेज हैं. सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आपकी कंपनी कितना अर्न कर रही है. अर्निंग पर शेयर क्या होता है? दिस इज़ अर्निंग पर शेयर. अब अर्निंग पर शेयर के कैसे कैलकुलेट करोगे आप अर्निंग पर शेयर? अर्निंग पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ठीक है, अब सबसे पहले इसके लिए आपको क्या चाहिए? EBIT. नाउ व्हाट इज EBIT? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब देखो, अपन एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे अपन टोटल कैपिटल लेते हैं अपन 50 लाख मान लो. ठीक है, 50 लाख ले लो. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 50 लाख. क्यों? पूरा कैपिटल इक्विटी शेयर से ही रेस किया है कंपनी ने. अब अपन इसमें टैक्स रेट लेते हैं. कंपनी पे जो टैक्स लगता है, कंपनी टैक्स, अपन ये ले लेते हैं 30% पर एनम. ठीक है, और EBIT का मतलब होता है आपने कितना पैसा कमाया है, कंपनी ने कितना पैसा अर्न किया है इंटरेस्ट और टैक्सेशन देने के पहले. ठीक है, तो अपन ये ले लेते हैं EBIT वुड बी, इट वुड बी 7 लाख. ठीक है, 7 लाख ले लो. अब अपन तीन सिचुएशंस लेते हैं. पहली सिचुएशन में डेट क्या होगा? निल. सेकंड सिचुएशन में डेट क्या होगा? सेकंड सिचुएशन में डेट वुड बी 10 लाख. ठीक है, सेकंड सिचुएशन में डेट कितना होगा? 10 लाख. और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा? 40 लाख. क्यों? कंपनी को कितना पैसा रेस करना है? 50 लाख. पहली सिचुएशन में डेट निल लिया है, इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है?
पूरा पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से आ रहा है, दैट इज़ 50 लाख्स। सेकेंड सिचुएशन में डेट कितना है 10 लाख्स, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 40 लाख्स। थर्ड सिचुएशन में आप डेट कितना ले रहे हो, थर्ड सिचुएशन में अपन 20 लाख्स डेट लेते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लेते हैं 30 लाख्स। ये आप समझ गए कैसे आए, 50 लाख इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल 50 लाख्स और ये सिंगल 50 लाख्स, क्योंकि अब कंपनी को कितना पैसा रेस करना है 50 लाख। पहली सिचुएशन में डेट से कुछ नहीं आया, इक्विटी शेयर कैपिटल से 50 आया। दूसरी सिचुएशन में डेट से 10 लाख मंगवाया, इक्विटी शेयर कैपिटल से 40 लाख मंगवाया। तीसरी सिचुएशन में डेट से 20 लाख आया, इक्विटी शेयर कैपिटल से 30 लाख आया, टोटल 50 लाख ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, कितना पैसा कमा रही है कंपनी एक शेयर पे, एक शेयर पे कितना पैसा कमाया ठीक है। अब अपन को निकालना है EPS, कैसे निकलेगा EPS, फॉर्मूला है EBIT माइनस I, I का मतलब क्या होता है इंटरेस्ट ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये अर्निंग बिफोर टैक्स, इससे आप टैक्सेशन माइनस करोगे, टैक्सेशन कितना है एट द रेट 30%, दैट इज एट द रेट 30% जो अपन ने यहाँ पे लिया, ये हमेशा सेम रहेगा ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्या हो जाएगा अर्निंग एस फॉर आफ्टर एंड टी इज फॉर टैक्स। अब आप अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। अब आप बोलोगे इक्विटी शेयर्स कितने हैं, कितनी कैपिटल है, इधर कैपिटल कितनी है, इधर कैपिटल अपन ने 50 लाख ली, इधर अपन ने कैपिटल 40 लाख ली, इधर 30 लाख ली, एक शेयर कितने का है, एक शेयर पर शेयर वुड बी एट द रेट 10 रुपीज़, 10 रुपये का एक शेयर है ठीक है। अब अपन यहाँ पे करते हैं EBIT माइनस I, इट वुड बी अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्सेशन एंड इट इज अर्निंग आफ्टर टैक्स। सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, सिचुएशन थ्री। फर्स्ट सिचुएशन EBIT कितना था, अपन ने इधर कितना लिया 7 लाख, इधर आप लिख दो 7 लाख ठीक है, टू बी कंटिन्यूड। अब इंटरेस्ट कितना है, पहली सिचुएशन में डेट नील है, इंटरेस्ट कितना होगा नील। सेकेंड सिचुएशन में अपना कितना है, सेकेंड सिचुएशन में डेट 10 लाख रुपीज़ है और अपन का इंटरेस्ट कितना है, इधर अपन ने कितना लिया है 10% रेट है। जैसे कि अपन ने इधर, अब आप एक बात बताओ, आप जब डेट रेस करते हो, आप जब लोन रेस कर रहे हो, तो आप किसी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे लोगे, ये सारी डिटेलिंग्स आपको एक क्वेश्चन में दी जाएंगी, एक क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी। जस्ट लाइक इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको ऐसे सारी चीज़ें दी जाएंगी, आपका टोटल कैपिटल, आपका इक्विटी कैपिटल, आपका डेट, आपका टैक्स रेट, आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। अब अगर कंपनी डेट से रेस कर रही है पैसा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन डेट 10% दिया हुआ है। ये चीज़ जो होती है ना, ये कंपल्शन नहीं है, ये आपको क्वेश्चन जो देगा उस हिसाब से आपको निकालना है। अब देखो सिचुएशन वन है EBIT 7 लाख है लेस इंटरेस्ट, जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया, ये देखो यही चीज़ है। यहाँ पे आपको ऐसे प्रेजेंटेशन देनी है अपने एग्जाम्स में, दिस इज़ EBIT इंटरेस्ट ज़ीरो। सिचुएशन वन जो मैंने आपको बताई थी, सिचुएशन वन में डेट नील था तो इंटरेस्ट ज़ीरो होगा। सिचुएशन टू आती है जिसमें 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए क्या है डेट है, उसका 10% आप निकालोगे तो इट वुड बी 1 लाख। आप इसको इससे डिडक्ट करोगे जो अपन यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ जाएगी आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज़ EBT। उससे आप टैक्स माइनस करोगे 30% ऑफ वॉट 7 लाख। वाई 7 लाख, 7 लाख इज़ वॉट EBT। इस सिचुएशन में 6 लाख आया है, क्यों, क्योंकि आपने इंटरेस्ट माइनस किया है। थर्ड सिचुएशन आती है जिसमें 10% किसका लोगे, 20 लाख का लोगे। आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, आपको डिराइव करनी पड़ेंगी आपको चीज़ें। इट्स वेरी इजी गाइस, डोंट गेट पैनिक,
EBIT से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, आपको EBT मिलेगा, EBT से आप टैक्सेशन माइनस करोगे, आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा। उसके बाद आता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आप 4,90,000 दैट इज जो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आया, इसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। अब देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर अपन डिराइव करें, पहली सिचुएशन में अपन ने क्या बोला था, 50 लाख क्या है अपन के इक्विटी शेयर्स है, 50 लाख रुपए अपन ने इक्विटी शेयर कैपिटल है, 50 लाख रुपए अपन ने किससे रेस किया, इक्विटी शेयर से। अब एट द रेट ₹10 ईच, तो इस हिसाब से 5 लाख रुपए अपन के इक्विटी शेयर्स हुए। 5 लाख क्या है, इक्विटी शेयर्स इंटू 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी तरह आपको सेकेंड सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन में डिराइव करना है। इसी तरह सेकेंड सिचुएशन में इट वुड बी 4 लाख इक्विटी शेयर्स, क्यों, क्योंकि 40 लाख रुपए आप रेस कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल से। थर्ड सिचुएशन में 3 लाख इक्विटी शेयर्स, क्यों, क्योंकि आप 30 लाख रुपए रेस कर रहे हो इक्विटी शेयर्स से। देखो EPS निकाला अपन ने, फर्स्ट सिचुएशन का EPS है 0.98, सेकेंड सिचुएशन का EPS है 1.05, थर्ड सिचुएशन का EPS है 1.16। तो देखो अब मैं तो आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अपना डेट इसमें कितना था, निल था। इस सिचुएशन में कितना था, 10 लाख था। इस सिचुएशन में कितना था, 20 लाख था। तो आप देखो जैसे जैसे डेट इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे अपन का EPS अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आप वाइस वर्सा सिचुएशन देखोगे ना, तो भी आप उल्टा देखोगे, अगर आपका डेट ज़्यादा था तो 1.16 है, डेट आपने कम किया तो 1.05 EPS हो गया, आपका डेट निल था तो 0.98 था, ठीक है। अब देखो अब बात आती है ROI। ROI क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है, EBIT अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने जो पैसा लगाया उस पैसे पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। अपना EBIT कितना था क्वेश्चन में, 7 लाख रुपीज़ अपना EBIT था। अपनी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, अपनी इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपीज़ थी इनटू 100, ठीक है। तो अपन देखते हैं 7 लाख रुपीज़, 7 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख रुपीज़ इनटू 100 कितना आया अपन का परसेंटेज, 14%। 14% क्या है, ROI। अपन ने कितना पैसा लगाया, अपन ने 50 लाख अपन लगा रहे हैं, अपन को 14% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब एक बात बताओ, अगर अपन डेट इशू कर रहे हैं, अपन डेट के थ्रू पैसा रेस कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट अपन का इंटरेस्ट कितना लग रहा है, उस पर अपन को इंटरेस्ट लग रहा है 10%। तो देखो 14% कमा रहे हो, 10% लगा रहे हो, 14% कमाने के लिए 10% पैसा लगाया, तो यार तो भी तो 4% कमाया ना आपने, 4% प्रॉफिट है ना आपका। तो अब आप नोटिस करोगे कि अगर ROI इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, तो यही प्रोसीजर होगा जो अपन का अभी है, तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अगर ROI ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट से, तो अपन डेट रेस करेंगे, डेट के थ्रू पैसा रेस करेंगे, तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर अपन का ROI लेस है, तो अपन इक्विटी के थ्रू पैसा रेस करेंगे। अब देखो अब ये एग्जांपल आता है अपन का, इधर अपन ने क्या किया, इधर अपन का इक्विटी कैपिटल 50 लाख है, वही पूरा प्रोसीजर चल रहा है, वही पूरा प्रोसीजर। लेकिन अपन का EBIT, व्हाट्स EBIT है, 3 लाख रुपीज़। अपन का इधर अर्निंग कम हो गया, अर्निंग कम हुआ, इधर अपन का कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, 6%। अब देखो अगर अपन का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर अपन का ROI 6% हो गया, 6% कैसे हुआ, अपन का EBIT कितना है, 3 लाख रुपीज़। अगर आप EBIT 3 लाख है, तो 3 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 50 लाख रुपीज़, दैट इज़ व्हाट आर इन्वेस्टमेंट इनटू 100, इट वुड बी 6%।
तो अभी अपन का आरओआई कम है, किससे? इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट ज़्यादा है। नाउ यूज़ योर कॉमन सेंस। अगर आपको, आप कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आप किसी भी, कोई भी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आप अपना 10% पैसा लगा रहे हो, लेकिन आपको, आप कमा कितना रहे हो? 6%। तो यार अब वो 20% पैसा क्यों दोगे? आप बोलोगे नहीं मुझे वो चीज़ नहीं देनी, आप 10% पैसा नहीं दोगे, आप ये ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे, आप डेट के थ्रू पैसा रेज नहीं करोगे, आप इक्विटी में जाओगे। अब अगर यही सिचुएशन होगी ना, तो देखो अपन ने क्या किया, अपन का EBIT है 3 लाख रुपए, तीनों सिचुएशन है। अब इधर क्या है, इंटरेस्ट आपको देखना है। तीनों सेम सिचुएशन है जो अपन की पहले वाली सिचुएशन थी। पहली सिचुएशन में क्या है, डेट नेल है। सेकेंड सिचुएशन में क्या है, 10 लाख रुपए अपन डेट के थ्रू रेस कर रहे हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या है, 20 लाख रुपए अपन डेट के थ्रू रेस कर रहे हैं। अब देखो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आएगा, वही अपन माइनस करके लाएंगे उसको, टैक्सेशन रेट सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। इधर मेन चीज़ अपन की क्या रहेगी, अपन को EPS देखना है। इधर आप EPS देखो, 0.42, 0.35, 0.23। अब देखो अपन अगर इन तीन सिचुएशंस देखते हैं, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, अगर अपन इधर अर्निंग पर शेयर देखते हैं, फर्स्ट सिचुएशन का 0.42 है, सेकंड सिचुएशन का 0.35 है, थर्ड सिचुएशन का 0.23 है। अब अपन को देखना है अर्निंग पर शेयर, देखो इधर अर्निंग पर शेयर डिक्रीज होता जा रहा है। हमेशा आप जो डेट रेस करते हो, आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो कि आपको डेट के थ्रू रेस करना है कि आपको इक्विटी के थ्रू रेस करना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे आप रेस करोगे। आपको मेन जो फैक्टर है, मेन फैक्टर आरओआई है, आरओआई से डिसाइड करोगे आप कि आपको डेट के थ्रू जाना है कि आपको इक्विटी के थ्रू जाना है, आप किस गली जाओगे, ये आरओआई से डिपेंड कर रहा है। आरओआई क्या है, रिटर्न कितना मिलेगा। यार रिटर्न ज़्यादा मिलेगा पैसा खर्च करने से, तो आप रिटर्न ज़्यादा वाला लोगे। आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, आप डेट से रेस करोगे। आपको रिटर्न कम मिल रहा है इंटरेस्ट से, तो आप इक्विटी से रेस करोगे, क्योंकि इक्विटी पे आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो।